लग रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच। बताएं जरा आज क्या बताना चाहते हैं हम पत्रकारों को आप आज। सबसे पहले मैं माँ के लिए दो लाइनें कहना चाहता हूँ, जो हमारी आपकी सबकी पूरे हिंदुस्तान की माँ के लिए दो लाइन कहना चाहता हूँ। हर घर में माँ की पूजा हो, हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं। दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीश झुकाता हूँ, माँ का नाम लेके और पूजा करके नमाज पढ़ के ये काम शुरू किया है, तो इंशाल्लाह ताला ये मेरी ज़िंदगी की पहली शुरुआत है, पहला काम है। मेरा पहला काम वो था जो मुझे राजपाल यादव जी ने ब्रेक दिया था जी। फिल्म का नाम था अता पता लापता, आप सब जानते होंगे जी। तो वो फिल्म मैंने की, उसके बाद से मेरी फिल्मों की लाइन लगी, डगरी चाल, पटा पोस्टर, सॉरी डैडी, बेसमेंट, लतीफ एंड अभी लेटेस्ट भागते रहो आई थी जी, है ना। दिल्ली बस का आप सबने प्रोमो देखा ही होगा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। और हमारे देश में एक बहुत ही घिनौनी घटना हुई थी, निर्भया कांड, जिसमें हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का बच्चा बच्चा जानता है। वो फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है पिछले 15 दिनों पहले, तो आप सब जानते कि जनता ने उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया है। कुछ लोगों ने विवादित बयान भी दिए हैं, अलग अलग तरह के बयान आए हैं, लेकिन ये जो फिल्म है ये कांस फिल्म से लौटी है, कांस फिल्म से। तो मेरे लिए बड़ी बात है कि अभी तक मैं काम कर रहा था, कम से कम मिला के 25 फिल्में हो गई आप लोग की प्यार से, आशीर्वाद से। ये मेरा इंडिपेंडेंट काम है पहला, जो मैंने खुद इसको मैं प्रोड्यूस किया हूँ, ताहिर कमाल खान, मैं प्रोड्यूस किया और मैंने खुद ये गाना ऑलमोस्ट कंपोज किया अपने लिए, कंपोज करवाया अपने लिए। तो इंशाल्लाह ताला, क्या बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि मुझे कोई डायरेक्टर कंपोज करे। कुछ फिल्में हैं मेरी, राजू मवानी सर ने एक फिल्म बनाई है मुझे लेके, अभी वो अनटाइटल फिल्म है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी, जिसके डायरेक्टर है आज़ाद हुसैन। तो ऐसे मेरी एज ए लीड 2-3 फिल्में हैं जो मैं कंपोज हो चुका हूँ, लेकिन क्या है मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने शुरुआत की है अपना पहला सिंगल रन से। जैसे कहते ना क्रिकेट के क्षेत्र में, जैसे कोई 100 रन सेंचुरी बनाने के लिए पहला सिंगल रन बड़ी मुश्किल से लिया जाता है, क्योंकि चारों तरफ जब शाहरुख, सलमान, आमिर खान खतरनाक बॉलर हों तो उसके बीच में से सिंगल रन निकालना वो भी बड़ा बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, दुआएं मेरे साथ हैं, और आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मेरी कोई औकात नहीं थी इस सिनेमा के क्षेत्र में खड़े होने की भी, लेकिन आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं आज खड़ा हो गया हूँ, और मैं धीरे धीरे सिंगल रन से काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा जब सेंचुरी लगाने का मौका मिलेगा। कमल भाई, वैसे ये जो बेसिकली वीडियो जो आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसकी टीम में कौन कौन लोग हैं आपके साथ? इस टीम में मेरे ये युवा जो अभी मेरे जो रैपर हैं और बहुत ही फंटेस्टिक ये डांसर हैं ये लड़के, और ये सब आपको देखने को इंशाल्लाह ताला इस फिल्म में आपको मिलेगा। वो लड़का है सद्दाम, और भी इसमें बहुत सारे युवा लड़के आपको ये क्योंकि युवाओं के लिए गाना है और युवाओं को सोच समझ के ये गाना बनाया गया है, जबकि मेरा मन, मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट कुमार शानू, उदित नारायण जी हैं, लेकिन मेरे मन को मार के ये पंजाबी गाना लिया, इसलिए लिया क्योंकि आजकल के युवा जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो मैंने गाना ये बना रहा हूँ। तो वैसे ये गाना हमें कौन सुनाना चाहेगा? जिंदगी के सारे गुड़ दे दूंगा मैं तेनु, एक बार कुड़ी जो आकर दे, जिंदगी में तेरे नाम कर दूंगा सोनी, एक बार कुड़ी जो हाँ कर दे। ये टाइटल है, एक बार कुड़ी जो हाँ कर दे, इस गाने का टाइटल है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और जी असल जिंदगी में भी कभी किसी के हाँ का इंतजार रहा है कमाल साहब को? असल जिंदगी में हाँ का सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का इंतजार था, फिल्म इंडस्ट्री का इंतजार है, और इंशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री की हाँ का इंतजार रहेगा। जिस दिन फिल्म इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर लेगी तो इंशाल्लाह उस दिन तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी। नहीं, अभी तो आप खाली बैटिंग के लिए उतरे हुए हैं ना, अभी तो सेंचुरी आपको मारनी ही है। लेकिन वो सब चीजें भी आपके सामने इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगी, तो मैं जल्दी वो सब चीजें आपको बताऊंगा, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, जब अता पता लापता आई थी, तब तक तो आपका भी अता पता लापता था? जब तक मेरा 9 साल तक अता पता लापता था, मैं आप सबको अगर दिल से बताऊं, जैसे कि आप लोगों में पूजा करते हैं और हमारे में नमाज पढ़ते हैं,
तो मैं नमाज पढ़ के यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मैं पूजा की भी उतनी कदर करता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम मंदिर के अंदर खा के गुजारा है, तो इसलिए मैं पूजा और नमाज दोनों नाम लेके अल्लाह और भगवान के नाम से मैंने ये काम शुरू किया है। तो इंशाल्लाह ताला बस आप सबकी दुआओं से ये मेरा काम सफल हो, और यही मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए बस। अच्छा, गाना आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कमाल भाई, अभी तो बेसिकली सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये गा कौन रहे हैं, और साथ ही साथ इसे शूट आप कहाँ कैसे कैसे करेंगे वो थोड़ा सा हमें बताएं। ये इसका शूट कलकत्ता में होगा, दिल्ली में होगा और बॉम्बे में होगा, खास करके ज़्यादातर शूटिंग जो है बॉम्बे में होगी और कलकत्ता में होगी और इंशाल्लाह दिल्ली में होगी। इसका पूरा बेस पंजाब है और हम इसको पंजाब को और दिल्ली को, पूरे ऑल इंडिया को, आजकल तो पंजाबी गाने हर कोई सुनता है, तो पूरे ऑल इंडिया को नज़र में रख के इंशाल्लाह इस गाने को बनाया जा रहा है, तो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ये गाना नजर आएगा। वैसे आप पंजाबी के साथ आप हिंदी जा सकते थे, आप किसी और लैंग्वेज में जा सकते थे, पंजाबी गाना क्यों चूज किया गया बेसिकली? ये मैंने समझ लो आजकल के जो युवा पसंद कर रहे हैं जो चीज़ों को, आजकल आप जहाँ भी जाओगे, पब में जाओगे, डिस्को में जाओगे, अगर कोई कुमार शानू का गाना लगाता है तो हम डांस सुबह सुबह जब डांस करते हैं साथ में डांस करते हैं, अगर मेरे ज़माने का मैं गाना लगाते हैं बोला कमाल भाई हटाओ ना, तो ये अपना गाना लगाते हैं, मतलब आज के ज़माने का गाना लगाते हैं, तो आज के ज़माने के हिसाब से मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया है। जैसे मैंने बताया आपको कि कुमार शानू मेरे बहुत फेवरेट हैं और उदित नारायण जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, रफ़ी साहब तो पूरी दुनिया के फेवरेट हैं, ये गाना मैंने आज के दौर को, आज के ज़माने के हिसाब से इस गाने को लेके मैंने काम शुरू किया। अच्छा, ये तो शुरू हो गया, अब इसके बाद क्या, इसके बाद और भी आप गाने बनाएंगे और दूसरे लैंग्वेजेस में भी बनाएंगे या क्या है? इंशाल्लाह ताला अगला गाना कुमार शानू या उदित नारायण जी की आवाज़ में आप लोगों के सामने आएगा, और या अगर कोई और मुझे बेहतर कोई पंजाबी सॉन्ग मिलेगा तो फिर मैं पंजाबी गाने पर काम करना चाहूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बीच में भी मैंने इंटरव्यू देखा था, गुरु रंधावा साहब का देखा था जी, बड़े बड़ी मशहूर शख्सियत, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बड़ी कमाल की बात कही थी, वैसे तो आप ज्यादा कमाल के हैं, उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा गाना है जिसमें खुद ब खुद आपके पैर थिरकने लगते हैं, तो उन्होंने पवन सिंह के गाने का नाम लिया था लॉलीपॉप। तो ऐसा आपकी जिंदगी का भी कोई गाना है लॉलीपॉप जैसा जिसमें पैर खुद ब खुद कंट्रोल ना होते हो? देखो, मैं प्रोफेशनल डांसर रहा हूँ, कई सालों से इंडस्ट्री में प्रोफेशनल डांसर हूँ, मैं रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ आज भी, तो मेरे तो हर गाने पे पैर उठते हैं जी, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग टाइप का, अलग जोनर का आदमी हूँ, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की वादियाँ और कश्मीर की हवाएं, पहाड़ियाँ, उस तरह के मैं काम करने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन आजकल के जैसे ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया, तो उसी हिसाब से कहते हैं ना कि अगर वक्त के साथ ना चलो तो दुनिया आप पीछे रह जाते हो या दुनिया आपको पीछे छोड़ देती है, तो इसलिए मैंने वक्त के हिसाब से ये काम शुरू किया। वैसे कमल भाई, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, जब अता पता लापता आपका पता चला, उससे पहले कमल खान साहब क्या करते थे बेसिकली, क्या कहाँ से हैं? एक्चुअली बॉम्बे शहर सपनों का शहर, हम सब का शहर, अपनों का शहर, ये शहर ऐसा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस मनुष्य के जीवन में सपने नहीं हैं वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य जानवर की शक्ल में वो मनुष्य होता है। तो ये जो शहर है ना सपनों का शहर, मैं जब यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर से अपने सपने यहाँ लेकर आया था, खेतों में से मैं शहर में आया, तो मैंने ये सपना देख के मैं आया था कि मैं एक दिन इंशाल्लाह पर्दे पे अपने आप को देखूंगा, 70 mm पर्दे पे मैं अपने आप को देखूंगा, ये मेरा सपना था, अल्लाह ताला ने वो पूरा किया। और इस शहर की खासियत ऐसी है, देखो मैं जब शुरू में बॉम्बे आया तो बहुत धक्के खाए, मैं किसी और का नाम लेके नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं पेन बेचता था, मैं घड़ियाँ बेचता था, मैं क्रीम बेचता था, मैं पाउडर बेचता था, मैंने ज़िंदगी की हर वो चीज़ बेची है जो मैं गिनाते गिनाते आपको थक जाऊंगा, मैं कैमरे बेचता था। तो जब मैं एक दिन मैंने विचार सोचा, जब ये चीज़ें मैं इतनी आसानी से बेच सकता हूं तो मैं अपने आप को क्यों नहीं बेच सकता, जबकि मुझे अपने आप को बेचने बड़ा लेट हो रहा है, बहुत मतलब रफ्तार इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि आप सब अपना प्यार देंगे और मैं बिक पाऊंगा इंडस्ट्री में। वैसे कभी ये सोचा था कि जिस कैमरे को आज आप बेचते हो उसी कैमरे के सामने कभी होंगे? सोचा तो बचपन से था कि मैं सिनेमा के क्षेत्र पे काम करूं, पर्दे पर काम करूं, 70 mm में काम करूं, ये तो हमेशा से मैंने बचपन से सोच के रखा था, वो पूरा हुआ। सपना देखना बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, सपना देखना बहुत ज़रूरी है, सपना सबको देखना चाहिए, हर
हर किसी को सपना देखना चाहिए, सपने को जरूरत हो तो जरूर देखना चाहिए जी। दलाल भाई कुछ कहना है ऑडियंस को जाते जाते जो आपको देख रहे हैं? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब जितने भी अगर मुझे सुन रहे हो, मुझे जान रहे हो, तो आप सब अपनी माँ को बहुत प्यार करें, अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार दें, क्योंकि माँ की दुआ में इतना असर होता है ना कि इंसान अगर मिट्टी होता है ना तो वो खुद ब खुद सोना बन जाता है। तो माँ को, माँ का प्यार और आशीर्वाद इतना ज़रूरी है कि सोना, जो सोना है ना, मैं मिट्टी था लेकिन मैं, मुझे जब से मेरी माँ की, मैं माँ के खिलाफ जाता था क्योंकि माँ को पसंद नहीं था सिनेमा का क्षेत्र, क्योंकि माँ का, माँ के लिए आप, हर कोई माँ को प्यार करे और अपनी माँ को जितना हो सके उनकी दुआ ले, क्योंकि अगर आप माँ की दुआ लोगे तो आप खुद ब खुद ऊपर कहाँ से कैसे आप चांद तारे पर चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा कुदरती। तो इसलिए मेरा लास्ट संदेश यही है कि हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं, दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीश झुकाता हूँ। तो अपनी माँ को बहुत प्यार करें, लास्ट मेरा संदेश यह है, तो आप खुद ब खुद इंशाल्लाह तरक्की पा लेंगे। थैंक यू जनाब। कमल साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने फिल्मों के हिट की है, मगर ये पहला जो एल्बम इनका पंजाबी एल्बम बनने जा रहा है। रांझणा जी इसके सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। रांझणा जी का पहला भी मैंने एक गाना सुना था, वो भी हिट था, और ये गाना तो कमल साहब और रांझणा जी जब दो ही मिल गए, दोनों महान कलाकार एक साथ मिल गए, तो मुझे उम्मीद है कि ये गाना बहुत हिट होगा। और कमल के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये बहुत ही मेहनती लड़का है, और आज ये जो भी मुकाम पे है अपने अपने बलबूते पे, नहीं तो क्या है यहाँ पे इंडस्ट्री में बोलते हैं कि भाई फलाने का बेटा है या फलाने का सपोर्ट है। तो है कमल जी के लिए, आप म्यूजिक कब करेंगे? कमल जी के लिए मैंने म्यूजिक पहले भी किया हुआ है, आगे भी करता रहूँगा। मेरा आना मतलब इसको दुआएं हैं मेरी, और उसके अलावा मैं एक बात ये कह दूँ कि जितनी खुशी मुझे ये बाहर ये काम करते हुए जा रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि पहले मेरा बच्चा बाहर एकदम स्टार बने, बाद में मैं तो हूँ इनके सेवा में और इनके लिए काम करता ही रहूँगा, और मेरी गाइडलाइन तो इनके लिए रहती है हमेशा। आज कमाल जी के लिए गाना बनता है? नहीं नहीं, कमाल जी के तो अभी वर्ड इतने अच्छे हैं कि 25 किलो खेत है मेरा, जिंदगी में तेरे नाम कर दूंगा कुड़िया, 25 किलो खेत में तेरे नाम, जिंदगी और 7 फ्लैट भी तेरे नाम कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि एक आशिक, दिल फेंक आशिक तो नहीं कह सकता इससे, क्योंकि मेरे ज़माने में जब भी कोई लड़की देखूँ होता था मेरा दिल दीवाना, मगर आज ये आशिक ऐसा है कि जो 25 किलो खेत यानी 25 बीघा खेत और 7-8 फ्लैट भी उसको देने के लिए तैयार है। अरे भाई वो तो देखो कमल साहब बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहूंगा कि कमल साहब को मेरे अलावा आप लोग भी सब दुआएं कीजिए कि कमल साहब हिट रहे और आगे बढ़े। थैंक यू। मैं अपने बारे में, मेरा नाम राजू, डांस मास्टर है, कोरियोग्राफर, और ये मेरे दोस्त हैं कमाल जी, अभी एक्टर से प्रोड्यूसर बन रहे, बधाई देना चाहता हूँ। और इस वीडियो एल्बम पंजाबी का कोरियोग्राफर मैं हूँ, अभी किया नहीं हूँ लेकिन करने वाला हूँ, और मैं हट के करता हूँ। मेरा एक चार वीडियो आया हुआ है टी सीरीज से। राजू भाई क्या ख्याल आता है, कैसे कैसे की जाएगी? प्लानिंग तो चल रही होगी, बातें चल रही होंगी कि कमाल साहब ने कहा अलग अलग शहर में हम शूट करना चाहते हैं, तो कितने डांसर्स होंगे या कैसे शूट किया जाएगा गाना? बेसिकली अभी प्लानिंग हुआ है, कुछ चर्चे में हुआ है लेकिन इतना प्लानिंग नहीं हुआ है, जब हो जाएंगे फिर से हम आएंगे आपके सामने और फिर बताएंगे। ये गाना सुन के, सबसे पहले जब आपने गाना सुना होगा तो क्या ख्याल आया जहन में? जहन में बहुत कुछ आया, अभी बता नहीं सकता। शुभकामनाएं। थैंक यू। कमाल साहब के यहाँ पे गाने की रिकॉर्ड हो रही है जी, सबसे पहले तो आप बताएं उन्हें कैसे कैसे जान पहचान या क्या कहते हैं उनके बारे में? कमाल जो है मेरा एक छोटा भाई है, मेरा दिल का टुकड़ा है, और इनफैक्ट सगा ना होकर भी भाइयों से बढ़कर है, टैलेंटेड है, जुझारू है, मेहनती है, और सबसे बड़ी बात उसमें सबसे अच्छी बहुत पॉजिटिव रहता है। और आज कमाल ने मेरे साथ अभी मेरे दो खुद की फिल्में की है, जो नेक्स्ट मंथ रिलीज़ हो रही है मेरी हॉरर लव स्टोरी, उसके बाद अप्रैल में मेरी हो रही है सुपर जासूस राजपाल भाई वाली, और उसके अलावा मेरे ग्रुप में जितनी भी 5-7 फिल्में एक साल में मैंने खुद कमाल के टैलेंट को देख के उसको कराई है। वैसे अब आप गाने की आज की बात करते हैं, आज जो गाना हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बेसिकली तुम्हारी, हाँ जी जी, पंजाबी गाना, कितना मजा आया आपको? सुपर सर, वेरी सुपर, सुपर हिट है। जिंदगी के सारे सुख दे दूंगा मैं तेनू, एक बार कुड़ी है जो हाँ कर दे, सुपर हिट है, सुपर हिट है। खास पसंद आया आपको? जी बस, सब्जेक्ट टू पिक्चराइजेशन। अच्छा जब आप चार फिल्में आप कर रहे थे कमाल, मैं सबसे अच्छी चीज कमाल के बारे में आपको क्या लगी? सबसे अच्छी बात है सर, डाउन टू अर्थ, नो ईगो,
सबसे प्लस पॉइंट ये। बड़े चुलबुले किस्म के इंसान नहीं है? मुझे तो ज्यादा चुलबुले लगे। नहीं, चुलबुले तो हर इंसान होता है, सीरियस आदमी भी घर में अपने अकेले में चुलबुला, लेकिन एक होता है ईगो नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ है, किसी का भी कोई काम पड़ जाए ना नहीं है, किसी की भी मदद कर दे, कभी भी किसी के लिए हाजिर है। इसरार भाई, आपने नवाजुद्दीन जी को लॉन्च किया था, इनको कब लॉन्च कर रहे हैं? इनको लॉन्च कर चुका हूँ सर। बड़ा अभी हम बनाएंगे कानपुर सेंट्रल सुपर जासूस के बाद, इनको आज कुछ वादा कर दे। हाँ इंशाल्लाह, उसमें एक बहुत अच्छा करेक्टर वन ऑफ द 7-8 करेक्टर, उनमें 7-8 सब 7-8 हीरो है उसमें, गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप का सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, 7-8 हीरो उसमें कमाल भी होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या उन्होंने कमाल किया अंदर, जो उनकी उंगलियां जब बसती हैं यहाँ पर, मैं दिलीप दिलीप जी का मैं देख रहा था अंदर में, जब वो बताते हैं और इतना कंफर्टेबल करते थे सिंगर को, मतलब उनके लिए ऐसा है ना कि कोई नया नहीं कोई पुराना नहीं, वो हर लोगों को बड़े प्यार से संगीत सिखाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं भी उनसे संगीत सीखूं, मेरे भाई ऐसे ही वो इंडस्ट्री में नहीं टिके हुए। तो दिलीप जी आप तो कमाल हो, और मेरा भाई तो कमाल तो कमाल ही है। पंजाबी नहीं, सिंगर मैं बन सकता हूँ अगर भाई मुझे मौका देगा तो। मैं सुखी भाजी बहुत अच्छी निकालता हूँ, चित्र स्टूडियो में एक मेरा ट्रैक ले ले भाई, अभी सुना बिल्कुल सुखविंदर की वॉइस में। सोचियाने से मेरा प्यार भूल जाएगी, उन दिल लेके ये करार भूल जाएगी, करार भूल जाएगी। हाँ दिल टूटियाँ जुड़े दोबारा, हाँ तेरी मेरी ओ जुड़ गई सोनिए, अंदर गाना गा रहा है रांझा। रांझा मेरे भाई तुसी कमाल हो यार, आप सिंगर हो, मैं तो गाता नहीं, मैं बस मस्ती कर रहा हूँ भाई, मेरे अंदर कॉफी करने का तरीका है। वेरी स्मार्ट बॉय, सारा बम्बई ने गीदड़ के नाम से जानता है, और तुम्हें शेर। आई लव यू मेरे भाई, ये गीदड़ ऐसा गीदड़ है जो समय पर नहीं भागता, शेर को भगा देता है रबट। हमारा नाम कमाल है, हम कमाल भी कमाल करते रहेंगे और सिंगल रन लेते रहेंगे। जानी ये हमारा सिंगल रन है और अभी सेंचुरी होनी बाकी है। जानी अमिताभ जी के आवाज़ में बस मैं कहूँगा कि पूरी वीडियो के सामने कहूँगा भाई कमाल जी ने जो कमाल किया, मैं समझता हूँ कि भाई इस तरह का जो संगीत होता है, जब आप लोगों को नशा देते हैं तो ये अपने आप में थेरेपी होती है, तो ये मेरी तरफ बहुत सारी शुभकामनाएं कमाल जी आपको। लव यू ब्रदर, लव यू। अभी मेरे फेवरेट है प्रकाश राज, जयकांत सिकरे। ओहो क्या बात है, माँ जी सटक ली। अरे कमाल का गाया कमाल, अरे सब कुछ करने का, जयकांत सिकरे का ईगो हटने करने का, अरे मैं भी गाऊंगा। आली रे आली, हाँ तो माजी बारी आली। नवाज भाई की फिल्म मारी तो नवाज भाई अपने अंदाज में, माँ का बाप का दादा का सबका पैर अगर नेत्र का तो मेरा नाम बदल देना। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद गाना बना माँ कसम, ऐसा रंजन ने गाया है, जी करता कि मैं रंजन के साथ में जान दो कुछ बोलूंगा नहीं मैं। और आजकल नसीर साहब हर जगह छाए हुए हैं। हाँ नसीर साहब क्या बात है भाई,
कमाल मियां, ये जो आपने कमाल किया है, सबसे पहले मैं पूरी मीडिया के सामने ये कहूँगा कि ऐसा गाना अगर हिंदुस्तान में आता है तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है। और हिंदुस्तान याद रखेगा, ऐसे सिंगरों को याद रहेगा, ऐसे प्रोड्यूसर को तो मुझे याद रखना पड़ेगा। लव यू मेरे भाई, ऑल द बेस्ट रंजा भाई। लव यू टू मेरे भाई, लव यू सो मच, इतनी सारी विशेषताएं देने के लिए, थैंक यू भाई, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे एक बार शाहरुख खान के अंदाज में थोड़ा प्यार बरसा दो। ओके, छोटे छोटे स्टूडियो में, यानी कि सॉरी, बड़े बड़े स्टूडियो में छोटे छोटे गाने होते थे पहले, लेकिन आजकल छोटे छोटे स्टूडियो में बड़े बड़े गाने बज रहे हैं। यही तो कमाल के गाने होते हैं यार। ये कमाल बार बार बीच में क्यों आ रहा है? ये बाद में बीच में आता है और बोलता है मुझे ए बोलना। तो ये तो कमाल भाई ऑडिशन हो गया वीआईपी सर की तरफ से, अब ये जो वीडियो बनेगा तो उसमें इनको लिया जाएगा या नहीं? देखो सही बोला। हां बोल 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 बोल। इंशाल्लाह ताला ये गाना मैं ऐसा बनाऊंगा ना कि इसमें इंडस्ट्री के काफी लोग रहेंगे और वीआईपी भाई भी रहेंगे। ये वादा तुमने मीडिया में करवा दिया, ये गड़बड़ किया। मतलब ये एक कमीना। लेकिन लेकिन इंशाल्लाह ये भाई को मैं रखूंगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें कोई दोस्त नहीं होता है, कोई फ्रेंड नहीं होता है। अगर वो स्क्रिप्ट की वो गाने की डिमांड है तो ही मुझे बुलाना भाई, जरूर जरूर। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि मैं दोस्त हूँ। कई बार मैंने कई फिल्मों को फ्लॉप होते देखा है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को फिल्मों में ले लेते हैं और पिक्चर का बैंड बज जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप प्रोड्यूसर हो और आपका जो डायरेक्टर जो बोलता है वैसे ही करना। लव यू मेरे भाई, ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विपुल सर, आप पहुंचे हैं एक आर्टिस्ट के रिकॉर्डिंग पर, क्या कहना चाहेंगे? कमाल काफी बड़ा हो गया है, प्रोड्यूसर बन गया अभी। दोस्तों मुझे बड़ी खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है ये दिन। आज मैं कभी नहीं बोलूँगा कि जिसे मैं कई सालों से जानता हूँ, उसका नाम कमाल मेरे बाजू में खड़े हुए हैं। वाकई इनका नाम ही कमाल नहीं है, ये वाकई कमाल के, ये इतना एक्टिव है, इतने इतना मेहनत कश है, जिसको मैं कई सालों से जानता हूँ। मतलब मैंने फिल्में भी इसके साथ की, एज एन एक्टर, और प्रोडक्शन में भी इसके साथ काम किया हुआ है, और बहुत ही एक्टिव देख रहे हैं। हर जगह बहुत मेहनत करता है, बहुत टैलेंटेड है। तो जैसे मुझे मालूम हुआ कि भाई इसके एल्बम की रिकॉर्डिंग है, तो आज मैं अभी मैं एयरपोर्ट से आया हूँ, एक घंटा पहले घर आया, इसको मैंने बोला भाई देख मैं लेट हो गई मेरी फ्लाइट, लेकिन मेरे को घूमूंगा मैं, तो मैं आया हूँ। और मैं खुशी इस बात की कि मैं थोड़ा वक्त पे पहुँच के, मुझे लगा था शायद ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ और इसको मिस ना करूँ। तो ये एल्बम और ये गाना इन्होंने इतना अच्छा रिकॉर्ड किया है। एक बारी तू हाँ कर दे, एक बारी तू हाँ कर दे, पूरी मैं जिंदगी एक बारी हाँ कर दे। मैंने खाली कॉपी करी अंदर में, जो सिंगर कह रहा है कुड़िये की जगह ऐसे नहीं हाँ कर दे, एक बारी हाँ कर दे। बिजनौर का लौंडा प्रोड्यूसर बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिजनौर का लौंडा अभी लौंडा कह रहा है, प्रोड्यूसर हो गया ये स्ट्रगल के टाइम पे लौंडा रहा होगा। अभी तो बेचारा बड़ा सीधा साधा है, अभी बहुत मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे कि साथी ने बताया, कई लोगों से परिचित है वो, और प्रोड्यूसर बनना बहुत अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, पर ये अच्छा प्रोड्यूसर बने भगवान के, सब उसको दुआएं दें। एक बहुत अच्छी बात क्या होती है, प्रोड्यूसर तो बहुत बनते हैं, बहुत प्रोडक्शन में आते हैं, लोग आते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी ईमानदारी के साथ इनका काम करता है। खास बात ये है कि लगन है और पेशेंस है, और सबसे बड़ी बात जो है कि हमेशा मैंने इसको मुस्कुराते हुए देखा है, हमेशा कोई टेंशन में कभी नहीं देखा। और हेल्प करना मतलब दूसरों की, भाई आर्टिस्टों की हेल्प करना कि हाँ ये और प्रोड्यूसर की हेल्प करना कि सर इसको ले लीजिए, ये कर लीजिए, बोले अच्छा हो जाएगा ये आपके सब्जेक्ट पे, ये साफ ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा, ये सारी बातें इसमें हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट, और बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी कर रहा हूँ उसमें काम करेंगे, ऑल द बेस्ट। एक पंजाबी सॉन्ग है, पंजाबी एल्बम है, फर्स्ट टाइम हो रहा, और रांझा जी ने गाया है, बहुत ही अच्छा प्यारा सॉन्ग है, और काफ़ी मेहनत की है, और ये सुनने में ही मज़ा आ रहा है। इसको शूट भी अलग ढंग से करेंगे, और इससे पहले भी
काफ़ी काम कर चुके हैं और ये कुछ अलग चैलेंज है जो करने में मज़ा आएगा। इसको टाइम लेके शूट करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा झाम ताम है और हमारे साथ साथ देंगे कोरियोग्राफर भी हैं और ये DOP हैं कमाल खान, तो काफ़ी कमाल के हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं, लोग जानते ही हैं सभी लोग। और बस दुआ है आप लोगों की ये काम अच्छा हो और आप लोगों का काफ़ी प्यार हो। कमाल साहब पहली बार इसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ऐसे लीड लॉन्च भी हो रहे हैं ये कहा जा सकता है और इसके लिए इनकी काफ़ी मेहनत है। बाकी हम लोग तो साथ में, लेकिन इन्होंने कल से काफ़ी डे नाइट मेहनत किया है और तब जाके आज ये अच्छा सॉन्ग बना है और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं अभी से ही। जितने लोगों ने यहाँ पे आए थे सब ने सुना, सब लोगों ने बहुत पसंद किया और मैं यही चाहूँगा कि ये सारे वर्ल्ड सारे दुनिया में पहुँचे और ये हिट हो, सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ आलम, इस एल्बम का डायरेक्शन करने जा रहा हूँ और आप लोगों का प्यार साथ में चाहिए। शुक्रिया जनाब। आप तो बस काफ़ी सुना है हमें, कुछ मेरा नाम विक्रमजीत रांझा है जी और आज की जो भी ये तामझाम, जो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम इंतजाम, हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, सब कमाल जी की मेहरबानी है। ये हमारे बड़े भाई हैं और बहुत प्यार करते हैं हमसे और बहुत टाइम से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और आज इन्होंने हमारा ये गाना पसंद किया कि आप हम लोग साथ में ये गाना करेंगे, ये एल्बम पंजाबी करेंगे साथ में, तो बहुत धन्यवाद भाई साहब का, बहुत मेहरबानी। ये पंजाबी सॉन्ग है, के बारे में ऐसा है कि एक लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है और इस ढंग से कर रहा है कि मेरी इतनी ज़मीन है वो भी रोड को टच करती है, मेरे इतने फ्लैट हैं और सब मैं तेरे नाम पे कर दूंगा, तो एक बार हाँ तो कर, ठीक है। तो ये सब बात है, बाकी सॉन्ग तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। हम लोग इंटरव्यू में आपका सुनना चाहते हैं। ओ 25 किले मेरे रोड नाल लग दे, पंज फेस विच सत ने फ्लैट नी, मेहनतां दे नाल ने कमाईयां कीतियां, समझे ना जट कर दे ब्लैक नी, गल कर सारा तेरे नाम करदा, जिंद अपनी जे मेरे नाम कर दे, जिंदगी दे सारे सुख दे दूंगा तैनू, एक बारी सोनिए जे हां कर दे, जिंदगी दे सारे सुख दे दूंगा तैनू, एक बारी सोनिए जे हां कर दे। तो यही बात है, शानदार। ये पूरा तीन अंतरों में ये बात पूरा लड़की को पटाने की कोशिश करता है, तो एंड वाले अंतरे में, तीसरे अंतरे में लड़की को पटा लेता है, रिंग दे देता है, शादी हो जाती है और एक अपनी गाड़ी में बैठ के आराम से जाते नहीं भाई साहब, मेरे पास तो आज तक फ्लैट था ही नहीं बम्बई में तो ऐसा कभी बारी नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सबके सामने वो चीज़ें भी क्लियर होंगी, वो सब भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ, हर कुछ आप लोगों को पता है। इंशाल्लाह आने वाले जीवन में मेरे जो भी कुछ होगा आप लोगों तक पहुँचेगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। शुभकामनाएं आपके साथ, लव यू ब्रदर। थैंक यू। एस रहीम है, मैं इस एल्बम जो एक बार हाँ कर देगा DOP हूँ। ताहिर साहब मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, तो जैसे कि आपने ये गाना अभी सुना भी होगा, थोड़ा सा बहुत ही वाइब्रेंट और एनर्जी वाला है कि और इन वे कहे जाए तो ये एक चटपटा गाना है, ठीक। और टेक्निकली जितना भी हो सके हम इसको बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। आलम साहब भी हमारे साथ है, यहाँ पे हमारे भाई हैं, डायरेक्शन में हैं और इंशाल्लाह ये गाना बहुत ही हिट होगा और बहुत ही बेहतरीन बनेगा। थैंक यू।